गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम जियोग्राफी, दैट इज मैप्स. ओके स्टूडेंट, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैप्स, देयर टाइप्स, देयर इम्पोर्टेंसेस एंड द की सिम्बॉल्स ऑफ मैप. ओके, और वी कैन से यूनिवर्सल सिम्बॉल्स ऑफ द मैप्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सो स्टूडेंट्स, हियर फर्स्टली वी विल डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द important facts regarding to the map. So let's read. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but if we do not want to study the whole earth togetherly, then what or which things will be suitable? So students, here is written that a globe can be useful. एक globe काम का हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, when we want to study the earth as a whole, जब हम पूरी अर्थ की स्टडी करना चाहते हो. But अगर हमें if we do not want to study the earth as a whole, then what kind of things we need? Which things can satisfy our needs? अगर हम अर्थ के किसी पार्ट की स्टडी करना चाहते हैं तो एट द टाइम हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मैप की. तो मैप वो रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, अर्थ के पार्ट्स का वो फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू, या फ्लैट ड्राइंग है जिसके थ्रू हम अर्थ के किसी पार्ट की स्टडी अच्छे से कर सकते हैं. ओके, अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ की सरफेस की ड्राइंग होती है, फ्लैट ड्राइंग होती है. कौन? मैप. मैप अर्थ को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, पूरी अर्थ को भी कर सकते हैं या अर्थ के किसी पार्ट को हम कर सकते हैं. ऑन अ फ्लैट सरफेस, यानी जैसे पेपर पे आप लिखते हैं ना कॉपी बुक, ये फ्लैट सरफेस है आपके. अकॉर्डिंग टू अ स्केल, मतलब एक स्केल लिया जाता है. जैसे मान लीजिए कि कोई दो प्लेस है, उनमें 10 किलोमीटर की दूरी है, तो क्या हम 10 किलोमीटर लंबा मैप बना देंगे? इतना बड़ा मैप बना सकते हैं क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है. तो हम 10 किलोमीटर के लिए हम स्केल रख सकते हैं, 1 किलोमीटर = 1 सेंटीमीटर. तो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में हम 10 किलोमीटर्स का एरिया दिखा सकते हैं पेपर पर. समझ में आया? तो मैप में स्केल लिया जाता है, जो ग्राउंड पर जो दो प्लेसेस या दो चीज़ों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है, उसको मैप पर जो है दिखाने के लिए कौन सी क्या लिया जाता है? स्केल लिया जाता है. तो मैप, हर मैप का अपना एक स्केल होता है. ठीक है, वो मैप जो होते हैं वो किसी स्केल के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं, तभी वो हमें एज इट इज़ दिखते हैं. ठीक है, नहीं तो कोई प्लेस कहाँ दिखेगा, कोई प्लेस कहाँ दिखेगा अगर हम बिना स्केल के मैप बनाएंगे तो. नाउ रीड, when मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस. जब कई सारे मैप एक साथ होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से एन एटलस इज अ बुक विच कंटेंस मैप्स, जिसमें कई सारे मैप शामिल होते हैं. एटलस ऐसे बुक होती है जिसमें जो मैप का कलेक्शन होती है. फिर फिजिकल मैप्स शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ. फिजिकल मैप्स किसको बताते हैं? अर्थ के नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन है, प्लेच्यू है, प्लेन्स है, इनको दिखाते हैं. ओके स्टूडेंट, पॉलिटिकल मैप्स क्या करते हैं? वो बाउंड्रीज दिखाते हैं देश की, राज्य की, इनकी सीमाओं को दिखाते हैं. ओके, थीमेटिक मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए बारिश को दिखाना है, मिट्टी को दिखाना है, या आप देख लीजिए कि कोई फसल को दिखाना है कि कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है, या जानवरों को दिखाना है कहाँ पर किस एरिया में कौन से एनिमल पाए जाते हैं. तो ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो गई. तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए जो मैप बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मैप. ओके, और देश और राज्य की सीमाओं, डिस्ट्रिक्ट की सीमाओं को बताने के लिए, बाउंड्रीज को बताने के लिए जो मैप बनाए जाते हैं वो पॉलिटिकल मैप. और जो मैप कंट्री के या किसी पार्टिकुलर एरिया के नेचुरल फीचर्स लाइक रिवर, है ना, ओशियन, सी, माउंटेन्स, प्लेच्यू, इन सबको दिखाने के लिए जो बनाए जाते हैं वो होते हैं फिजिकल मैप. सो हियर यू मे सी ऑल द 3 काइंड्स ऑफ मैप्स विद एग्जाम्पल्स ऑल्सो. इट इज द पॉलिटिकल मैप. इट दिस मैप इज शोइंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स एंड आर कंट्री एंड आर नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो. ओके, एंड दिस वन इज फिजिकल मैप. दिस मैप इज शोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया. इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन बता रहा है, जैसे ये ब्राउन लाइन जो है, कर्व लाइन, ये आपको जो है क्या बता रही है? मैप बता रही है. ये येलो कलर से आपको जो है शो किया गया, ये प्लेच्यू रीजन है. ये ग्रीन कलर से जो शो किया गया, ये फ्लैट रीजन है, यानी प्लेन एरियाज हैं. समझ में आया आपको? ओके, फिर एक और ये थीमेटिक मैप का एग्जाम्पल, इसमें रेनफॉल को बताएगा कि एनुअली पूरे साल में कितनी बारिश कहाँ पर होती है, कलर के थ्रू इसको
एग्जांपल के थ्रू बताया गया, समझ में आया आपको। तो थ्री काइंड्स के मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप, दिस वन इज पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक सॉरी फिजिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। ओके सो नाउ स्टूडेंट्स, देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। ओके फोर तो कार्डिनल डायरेक्शंस होती है और फोर मेन डायरेक्शंस होती है, आगे पढ़ेंगे हम। फिर सिंबल होते हैं और डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस के लिए हम स्केल लेते हैं मैप पर। ठीक है देखिए, रीड हियर आ ही गया। डिस्टेंस द स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन ऑन द मैप। यानी ग्राउंड पर मान लीजिए खाचरोद और भोपाल के बीच में कितनी दूरी है, डिस्टेंस मतलब सपोज उज्जैन का एग्जांपल ले लीजिए कि खाचरोद उज्जैन के बीच में जो है 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये एक्चुअल डिस्टेंस है जमीन पर, ग्राउंड पर जब हम यहाँ से वहाँ जाएंगे तो। लेकिन क्या हम इतना बड़ा 70 किलोमीटर बड़ा मैप बना देंगे क्या खाचरोद उज्जैन को दिखाने के लिए? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैप तो बनेगा लेकिन हम कम स्केल पर बनाएंगे। जैसे हम 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ठीक है, तो 70 किलोमीटर के डिस्टेंस को हम 7 सेंटीमीटर वाले यानी 7 सेंटीमीटर पर ही दिखा देंगे। समझ में आया आपको? यानी 15 सेंटीमीटर के अराउंड पेज हमारे लिए इनफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब स्केल लिया जाता है ज़्यादा दूरी को कम दूरी में बताने के लिए, कम से कम में बताने के लिए। तो स्केल वो मतलब आप बोल सकते फीचर बोल सकते मैप का जो क्या करता है, ग्राउंड पर जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसको मैप पर या पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए, फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंट करने के लिए लिया जाता है, जो कि इस एक्चुअल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके इफ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप। अगर आपको पता है कि स्केल कितना है, मैप का स्केल होता है, हर मैप जो है स्केल के अकॉर्डिंग बता, अगर उस आपको उस मैप का स्केल पता तो आप दो जगह के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर का स्केल लिया है खाचरोद और उज्जैन के बीच की डिस्टेंस को बताने के लिए। हमें पता है कि खाचरोद से उज्जैन 70 किलोमीटर से, तो जो है हम 70 किलोमीटर लंबा इतना बड़ा मैप नहीं बना सकते। तो हमने क्या किया, एक पेपर लिया जो कि 15 सेंटीमीटर का है, हमने उसमें क्या किया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर का स्केल दे दिया। तो 70 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी जगह में बता पाएंगे हम, 7 सेंटीमीटर बता देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर का डिस्टेंस लिया है। समझ में आया आपको? तो स्केल जो होता है, अगर आपको स्केल पता है तो आप डिस्टेंस पता लगा सकते हैं मैप पर किन्हीं दो प्लेसेस या जगहों के या स्थानों के मध्य या बीच में। When large areas like continents or countries are to be shown on paper, then we use a small scale map. जब कोई बड़े बड़े areas बताए जाते हैं, ज़्यादा दूरी वाले areas, तो उनके लिए हम बड़े मैप सॉरी छोटे मैप लेते हैं। क्या लेते हैं? छोटे मैप लेते हैं। ओके और अगर छोटी पास की है तो हम स्केल बड़ा, यानी डिस्टेंस कम है तो स्केल ज़्यादा, और डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्केल कम। ओके उल्टा होगा, ठीक है। मान लीजिए इसको कैसे समझेंगे आप, सपोज मान लीजिए कि कॉन्टिनेंट्स बहुत बड़ा होता है तो इसको दिखाने के लिए आपको छोटे से छोटा स्केल लेना पड़ेगा, लेकिन खाचरोद और उज्जैन के बीच में इतनी डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, वो एक कॉन्टिनेंट के एक बहुत छोटे हिस्से में ही आ जाएंगे। तो मतलब हमको इसको दिखाने के लिए, खाचरोद उज्जैन की डिस्टेंस को दिखाने के लिए हम बड़ा मैप सॉरी बड़ा स्केल ले सकते हैं, ठीक है। यानी डिस्टेंस कम है तो स्केल बड़ा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्केल छोटा, सिंपल सा फंडा है। When a small area like your village or town is to be shown on a paper, then we use a large scale. जब हम कोई छोटा मैप बनाते हैं, चाहे हमारे टाउन का हो विलेज का हो, तो हम बड़ा मैप यूज कर सकते हैं, ठीक है। Now there are four major direction. सबको पता है, everybody knows north, east, south and west. They are called cardinal points. इनको हम क्या बोलते हैं? Cardinal points. ठीक है। We can find out the direction of a place with the help of a magnetic compass. हम मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से भी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। जनरली हम सूरज को देख के पता लगाते हैं, बट अगर कभी कभी क्या तो सन आया ही नहीं है, आप इसी ऐसे प्लेस पर जा रहे हैं जहाँ हमें पता ही नहीं है कि वहाँ पे सनराइज़ हुआ ही नहीं है, और समझ में नहीं आ रहा किधर से होता है किधर से नहीं होता, ठीक है। तो फिर ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करते हैं। नाउ सिंबल्स, सिंबल्स हम क्या पढ़ रहे हैं, मैप के क्या रीड कर रहे हैं, हम मैप के थ्री कंपोनेंट्स यूज रीड कर रहे हैं, जिसमें से एक हमने पढ़ा डिस्टेंस, दूसरा था डायरेक्शन, तीसरा है सिंबल। अब सिंबल क्या होते हैं पढ़िए है।
द कन्वेंशनल सिम्बोल्स गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस, यानी कम जगह पर ही कन्वेंशनल सिम्बोल जो होते हैं मैप के, जो कि यूनिवर्सल होते हैं, पूरे वर्ल्ड में एक जैसे होते हैं, ये हमें पता लगा बता देते हैं कि ये क्या है। जैसे ब्लू कलर से वाटर बॉडीज को दिखाया जाता है, ठीक है, ब्राउन कलर से जो है माउंटेन एरिया को, येलो कलर से डेजर्ट एरिया दिखा दिए जाते, ऐसे समझ में आया। या स्टेट की बाउंड्री की लाइन फिक्स होती है, इंटरनल बाउंड्रीज के लिए जो है वो डैश डैश और बीच में डॉट डॉट ऐसे चलता है, ऐसी लाइन को हम स्टेट बाउंड्रीज बोलते हैं, फिर इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ऐसे बहुत सारे, यानी ये मैप के सिंबल है। ये सब क्या है, मैप के सिंबल जो मैप पर यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो इंडिया का मैप हो, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी देश का, पूरी दुनिया में एक जैसे मैप पर जो है सिंबल यूज़ किए जाते हैं, सिंबल्स जो यूज़ किए जाते हैं मैप में वो एक जैसे होते हैं, उन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स या यूनिवर्सल सिंबल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश का मैप देखिए आप, तो वहाँ पर वाटर बॉडीज़ को ब्लू कलर से ही दिखाया जाएगा, ब्राउन कलर से माउंटेन को दिखाया जाएगा, येलो कलर से प्लेच्यू यानी पठारी इलाकों, एंड ग्रीन इज़ यूज्ड फॉर प्लेन्स यानी मैदानी भागों के लिए। ओके स्टूडेंट, सो तो हम कह सकते हैं कि मैप के जो सिंबल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, फिक्स होते हैं, पूरे वर्ल्ड में एक जैसे यूज़ किया जाता है। तो मैप के हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स, व्हाट आर दीज, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। नाउ स्केच क्या होता है, स्केच भी मैप जैसा होता है लेकिन मैप नहीं होता है। स्केच एक रफ ड्राइविंग होती है जो मेमोरी के बेसिस पर हम बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ सपोज अपने वर्धमान स्कूल में, तो मैं यहाँ से मेरे घर के जाने का स्केच बना सकता हूँ कि मैं किधर किधर से जाऊँगा, कहाँ कहाँ से मुझे टर्न लेना है, इज़ इट क्लियर, कि मुझे रेलवे स्टेशन जो है कैसे पहुँचना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी प्रिपेयर कर दूँगा, छोटा बड़ा, एक पेज भी बना दूँ, दो पेज भी बना दूँ, आधे पेज भी बना दूँ, तो वो मेरी मेमोरी के बेसिस पर मैं बनाऊँगा, मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, कि मैंने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ से मुझे किस किस तरफ से। तो ये क्या है एक तरीके से, और कोई स्केल नहीं लूँगा, ठीक है, कोई मेजरमेंट नहीं लूँगा कि इतनी डिस्टेंस पर इतना इतना एरिया दिखाना है। तो इस तरह की ड्राइंग को हम क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं, जो कि रफली ड्रॉ किया जाता है विदाउट स्केल, ठीक है, बिना स्केल के अगर आप कोई ड्राइंग करते हैं तो वो आपका स्केच कहलाता है, ठीक है। अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल इज कॉल्ड अ स्केच मैप। स्केच मैप किसे कहेंगे, जब कोई बिना स्केल के कोई मैप बनाया गया, कोई ड्राइंग बनाई गई है, कोई मैप बनाया गया, तो उसे स्केच मैप कहेंगे। ओके, नाउ प्लान, प्लान क्या होता है, देखिए, अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। छोटी जगह को बड़े स्केल पर दिखाना, इसको हम बोलते हैं प्लान। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच मे समटाइम्स वॉन्ट टू नो, कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनको हम अच्छे से जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रूम, के कमरे की लेंथ और ब्रीथ हमें पता लगाना है। तो कमरा तो छोटा ही होता है, लेकिन उसके लिए हम बड़ा स्केल लेते हैं, पेपर पर हम उसे बड़ा बनाकर देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ड्रॉइंग को, प्लान को जो है, जो कि छोटे एरिया को बड़े स्केल पर दिखाता है, एरिया छोटा है पर स्केल बड़ा है, तो ऐसी ड्राइंग को हम क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वॉन्ट टू नो, फॉर एग्जाम्पल द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रूम। अब आप समझ गए प्लान, स्केच और मैप में क्या डिफरेंस है। मैप अकॉर्डिंग टू स्केल बनाया जाता है, ग्राउंड पर जो डिस्टेंस होती है उसको एक्चुअली स्केल के थ्रू मैप पेपर पर दिखाया जाता है, मैप में उसके यूनिवर्सल सिंबल होते हैं। अब स्केच की बात करते हैं, तो स्केच का कोई स्केल नहीं होता है, ये मेमोरी के अकॉर्डिंग बना दिया जाता है, जैसा आपने देखा वैसा आपने बना दिया। अब प्लान की अगर बात करते हैं, प्लान छोटे एरिया को बड़े स्केल पर अगर आपको दिखाना हो तो आप क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, ठीक है। इसमें स्केल लिया जाता है, प्लान में स्केल लिया जाता है, खाली स्केल किस में नहीं लिया जाता है, स्केच में नहीं लिया जा सकता, ठीक है। और मैप में तो दोनों, दो तरह का स्केल लिया जाता है, मैप में क्या किया जाता है, दो तरह का स्केल होता है, छोटी जगह को दिखाने, ज़्यादा दूर की जगह को दिखाने के लिए छोटा बड़ा स्केल, और पास की जगह दिखाने के लिए छोटा स्केल। अभी हम पढ़ के आए, देखिए यहाँ पर लिखा है, वेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी सोन ऑन, यानी बड़ी जगह दिखाना है तो छोटे स्केल, और छोटी जगह, कम दूरी वाली जगह दिखाना है तो बड़ा स्केल लिया जाता है, कहाँ पर, मैप पर, ठीक है। फिर हमने रीड किया कि स्केच में कोई स्केल नहीं लिया जाता है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, कहाँ कहाँ से गए, किधर किधर से गए होंगे, जो जैसा हम देखते हैं वैसा हम बना देते हैं, ठीक है, विदाउट स्केल। और प्लान में स्केच तो स्केल तो लिया जाता है, लेकिन छोटी जगह के लिए बड़ा स्केल लिया जाता है। इस तरह की ड्राइंग को हम क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। सो स्टूडेंट,
अगेन अ मेप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सर्फेस और पार्ट ऑफ इट ड्राउन ऑन फ्लैट सर्फेस अकॉर्डिंग टू स्केल। ये हम पढ़ चुके हैं, मेप एक ऐसी ड्राइंग या ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ की सर्फेस का, पृथ्वी की सतह का, जो स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाता है, ओके, किसी फ्लैट जगह पर यानी समतल जगह पर, ठीक है। जैसे आपकी कॉपी का जो पेज है, बुक का पेज है, या आपकी बेंच की जो सरफेस होती है, फ्लैट सरफेस, समझते ना आप, ओके। अब टाइप्स ऑफ मैप्स आप समझ गए, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप्स और थीमेटिक मैप्स। पॉलिटिकल मैप देश और राज्य की सीमाओं को, जिलों की सीमाओं, किसी टाउन विलेज की बाउंड्री को बताते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल बाउंड्री को बताने वाले मैप को पॉलिटिकल मैप कहते हैं। और फिजिकल मैप जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया के नेचुरल फीचर्स को बताते हैं, लाइक माउंटेन, रिवर्स, प्लेच्यू, है ना, हिल्स, वैलीज, इनको, प्लेन्स, इनको। और थीमेटिक मैप होते हैं वो स्पेशल पर्पस, जैसे रेनफॉल को बताने के लिए, क्लाइमेट को बताने के लिए, नेशनल पार्क को बताने के लिए, कोई एनिमल को बताने के लिए, ठीक है। इस तरह के जो मैप बनाए जाते हैं स्पेसिफिक पर्पस से, वो उनको थीमेटिक मैप कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स वो हम पढ़ के आए हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स, ओके। अब कार्डिनल डायरेक्शन भी हमने रीड किया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दीज आर नोन एज कार्डिनल पॉइंट्स। और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ ईस्ट एनी, साउथ ईस्ट एस ई, साउथ वेस्ट एस डब्ल्यू, एंड नॉर्थ वेस्ट एन डब्ल्यू, ओके स्टूडेंट्स। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, जो जनरली हम जो डायरेक्शन हमें याद होती है वो होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये कॉर्डिनल पॉइंट्स है। और जो बाकी इनसे बनने वाली जो दूसरी डायरेक्शन होती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ नॉर्थ वेस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इनको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ये जो लास्ट में लिखी हुई है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन आप याद रखेंगे। नाउ सिंबल्स जो होते हैं वो मैप पर एक जैसे यूज किए जाते हैं, जैसे बिल्डिंग बताने के लिए, रोड बताने के लिए, ब्रिज बताने के लिए, है ना, इनके लिए जो है अलग अलग सिंबल यूज किए जाते हैं मैप पर, जिनसे हमें पता पड़ जाता है कि यहाँ पर क्या है। और ये सिंबल कन्वेंशनल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, मैप की लैंग्वेज कैसी होती है, यूनिवर्सल होती है, यानी पूरे वर्ल्ड में एक जैसी यूज़ किया। जैसे पानी कहीं बताना है, वाटर बॉडीज बताना है, ब्लू कलर से दिखाए जाएंगे। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इसको लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है सभी देशों के बीच में रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल्स, कि मैप के जो सिंबल्स यूज करेंगे वो एक जैसे ही किए जाएंगे, चाहे आपके देश का मैप हो, चाहे हमारे देश का मैप हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे इंडोनेशिया का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे चाइना का हो। These are called conventional symbols. इसलिए इन symbols को क्या कहा जाता है, conventional symbols. Map की यही universal language या universal symbol जो है conventional symbol कहे जाते हैं। Sketch और plan हम पढ़ के आ चुके हैं, map भी हमने read कर लिया, scale, cardinal point, symbol, sketch, plan, ये भी हम read कर चुके हैं, आप double चाहें तो कर सकते हैं। और ये example थे maps के जो मैंने आपको explain किया। I hope student आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई doubt है तो then you drop message in my message box, okay? थैंक यू। आप अपनी बुक से भी रीड करिए।